और आपसे निवेदन है उपेन्द्र जी साहब, आपको उपेन्द्र जी यादव आपको संबोधित करेंगे, बताओ सर। सभी सेकंड ग्रेड चयनित अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। और मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप तो जाहिर हो गया, ये आपके रगों में खून नहीं है। काफ़ी लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है, वो भी किसी माँ का और किसी माँ बाप के बैठे हैं, क्या उनको नौकरी चाहिए? इन लोगों की तबीयत खराब है, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और RPSC के जो अधिकारी है, सेक्रेटरी है चाहे जो चेयरमैन बने, इनकी पूरी लापरवाही है। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, आप बताओ। आज जो स्थिति हुई है वो अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। ये अभी तक कह रहे हैं कि हम जजमेंट जो आएगा उसकी कॉपी के बाद निर्णय लेंगे, यानी कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जो हमने जो आंसर एक्सपर्ट कमेटी से बनाई वो सही है। अरे सही है तो फिर दोबारा से उनको सही करके आप परिणाम निकालें क्या सुप्रीम कोर्ट में? सब जोधपुर में जो सुनवाई है 60 फसलों के मामले में, उसमें कोई अरे जब रीट शिक्षक भर्ती 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से आप 11 लाख के एडवोकेट बुला सकते हो, क्या इस भर्ती के लिए आप 11 लाख का एडवोकेट नहीं बुला सकते हो? आपको बुलाना होगा, क्योंकि यदि जिस प्रकार लापरवाही हमारे साथियों द्वारा और RPSC के द्वारा हुई, क्योंकि जो जो जयपुर हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी, अभ्यर्थियों की तरफ से कोई एडवोकेट नहीं था, वो सबसे बड़ी कमी है। लेकिन सरकार की तरफ से पैर भी रखने के लिए जो एडवोकेट था वो बोल ही नहीं पा रहा था। जज साहब बार बार उसको कह रहे थे कि आप इसको पढ़िए, जज साहब उनसे प्रश्नों को पढ़वा रहे थे, वो पढ़ रहे थे, मैं खुद सुनवाई में मौजूद था। लेकिन दोस्तों जो गलती जयपुर में हुई वो जोधपुर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जोधपुर में हमारे एडवोकेट भी है, लेकिन हम चाहते हैं जिस प्रकार रीट शिक्षा भर्ती 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट से हर सुनवाई में एडवोकेट आ रहे हैं, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट जोधपुर की सुनवाई में आना चाहिए, क्योंकि जिससे वो SLP खारिज हो और कोई कमेटी और कोई प्रश्नों का विवाद ना हो। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, मैंने इन अभ्यर्थियों से बात की तो उनका कहना है कि जो सारे प्रश्नों के जो आंसर आए वो बिल्कुल सही है, उसमें नो चेंज आएगा। लेकिन नो चेंज कब होगा? जब वहां मजबूत पैरवी होगी, जहां एडवोकेट समझा पाएगा, जहां हमारे अभ्यर्थियों के एडवोकेट और सरकार के एडवोकेट मजबूती पक्ष रख पाएगा। क्योंकि ये गलती की ये कमी हमें जो 17 तारीख को जो जयपुर में सुनवाई उसमें एडवोकेट की खली, और यदि फिर से ये गलती हुई फिर वही होगा और फिर लटकते रहेंगे। दोस्तों यहाँ मापड़ाव उठाने का उद्देश्य ये है कि RPSC जो जोधपुर में जो अलग प्रश्न है उनकी सुनवाई अलग होगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से अच्छा एडवोकेट बुलाकर वहाँ प्रार्थना पत्र लगवाकर जल्द से जल्द सुनवाई करवाई जाए। अभी लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ कि 31 जुलाई को सुनवाई है, लेकिन अभी जो कमेटी बनी उन्होंने बताया 31 जुलाई को कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सुनवाई तब होगी, क्योंकि आप रीट को देख लीजिए, पूरा शिक्षा विभाग सेक्रेटरी नरेशपाल गंगवार जी हो चाहे बीकानेर निदेशालय डायरेक्टर हो, डायरेक्टर खुद जो श्याम सिंह पुरोहित जी है वो हाई कोर्ट में हर सुनवाई में पूछता है और एक्टिव है, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन वहाँ पूछते हैं और पूरे लाव जमाई के साथ यानी पूरे एडवोकेट वहाँ मौजूद रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आते हैं, और यहाँ इनको पता नहीं है। ये कह रहे हैं हमें प्रश्नों से मतलब नहीं, हमें एडवोकेट से मतलब है, और एडवोकेट वहाँ बोल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों दबाव तब बनेगा, प्रभाव तब बनेगा कि अब सड़कों पे आना होगा या शांतिपुर में बैठना है। यहाँ जो 11 लोग बैठे हैं, क्या वो किसी का बेटा नहीं है क्या? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या सड़कों पड़े? इसलिए आपसे मेरा निवेदन यही है, कुछ पाना है तो सड़कों पे आना होगा, शांतिपूर्वक इस मैदान में आना होगा, और जो जिस लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि RPSC को अभी लापरवाही RPSC की है, RPSC को चिंता नहीं है, आराम से SCU के रूम में बैठे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे इसका रास्ता क्या होगा। रास्ता उनको निकालना होगा, जो चयनित अभ्यर्थी उनको ज्वाइनिंग देनी होगी, उनको रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट बुलाना होगा, वहाँ प्रार्थना पत्र लगवाकर वहाँ वो SLP खारिज करवाने होगी जो अभ्यर्थी होगी, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और जो जयपुर हाईकोर्ट का फैसला है, या तो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाए या कमेटी, क्योंकि इनका कहना है कि जो पहले आंसर उन्होंने बनाए थे वो बिल्कुल सही है, तो कमेटी पुनः वही देगी। यदि ये कह रहे हैं कि वो सही है आंसर, तथ्यात्मक सही है, तो फिर वही कमेटी की रिपोर्ट दोबारा आएगी। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कमेटी की रिपोर्ट वहाँ पेश करो, कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाकर पुनः रिवाइज करो। जब नो चेंज ये बता रहे हैं कि हमारे जो आंसर है बिल्कुल सही है, तो वो रिपोर्ट सेम आएगी, करिए तैयारी, निकालिए दोबारा, कोई चेंज नहीं होगा, चेनी तब तक रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों उनकी मंशा ये डरे हुए हैं, मेरे को लगती है कि ये लटकाना चाहते हैं, कुछ दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। लेकिन मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा, मैं कोई सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी नहीं हूँ, मुझे टीचर नहीं बनना, मैं आप लोगों को ले आऊँ, उन लोगों को ले आऊँ जो 11 लोग अनशन पर बैठे हैं।
अभी भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, घर से निकलो। इसे इसके लड़कियों से कहना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग के समय आप एक लड़की करके नहीं रुकेगी और वहाँ ज्वाइनिंग के समय पहुंच जाएगी। कम से कम अब आप लोगों को घर से निकलना होगा, या 200-300 लोग हैं, आप देख लीजिए अलग अलग जिले से आए हुए हैं। ये सचिन खुद ये यूट्यूब चैनल पे ये लाइव आ रहे हैं, ये खुद अनशन पे है, ये यहाँ की जिम्मेदारी भी निभा रहा है, अनशन भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, एक इंसान ये सब कुछ कर रहा है। इस व्यक्ति को आराम चाहिए अनशन पे, आप लोगों के लिए भूखा रह रहा है। मुझे पता अनशन के दौरान क्या होता है, जब अनशन के लिए आदमी एक एक खाने के लिए तरसता है, पानी के लिए तरसता है, खाने के लिए तरसता है, अनशन में क्या स्थिति होती है, किसके लिए भूखा रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कल आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या माना है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपने आप को एक सच्चा सिपाही मानता है, अपने आप को एक ईमानदार और सही अच्छा आदमी मानता है, वो रात को अजमेर में आरपीएससी के सामने जो धरना चल रहा है और अधिक से अधिक संख्या में पूछना है और इस धरने मापड़ा को मजबूत बनाना, जिससे पूरी सरकार हिले, आरपीएससी हिले और हमारा चयनित जो अभ्यर्थी आप लोगों को न्याय मिले और जल्द से जल्द आपका परिणाम सामने आए और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले। और इस समय राजेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए राजेंद्र जी। दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन है कि देखो, अपना घर बैठे रहेंगे तो घर बैठने में कुछ होने वाला है नहीं। ये यहाँ पर बेचारे 25 तारीख से यहाँ पड़े हुए हैं, 11 बच्चे अनशन कर रखे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपन सबके लिए कर रहे हैं। लोग घर पर बैठे बैठे व्हाट्सएप चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, वहाँ पर देखने के बजाय आप यहाँ आरपीसी आओ। आज अभी उपेंद्र जी यादव और मैं अभी 2 बजे यहाँ आरपीसी के सामने जो अपना धरना स्थल चल रहा है वहाँ भी हम पूछे हैं, तो हमने यहाँ से रिपोर्ट ली है कि कमेटी के द्वारा आरपीसी ने अंदर बुलाया बच्चों को, तो आरपीसी का जो रुझान है वो बिल्कुल अब तक नकारात्मक रुझान रहा है। अब इस नकारात्मक को अपन को सकारात्मक करने के लिए यहाँ संख्या बल की आवश्यकता है। आप ये मत सोच रहे कि वहाँ पड़े कुछ एक पड़े हैं वो कर लेंगे और वो सबका एक साथ होगा, ऐसा ऐसा नहीं है भाई। अगर करना है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल आप आरपीएससी के इसने 10 बजे 11 बजे तक सभी जो चयनित बंदे हैं 7596 जो लड़के वंचित रह चुके हैं वो अपना घर छोड़े और यहाँ पर जरूर जरूर पधारे। देखो भाई, ये जो बच्चे अनशन करेंगे इनकी तबीयत खराब है, किसी की उल्टी हो रही है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट के लिए ले जाया जा रहा है, कोई यहाँ पे बार बार डॉक्टर आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं भाई। अरे इनके भी परिवार है, इनके भी माँ और बाप है, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये किसके लिए पड़े हैं। आप देश के वीर हो, घर पे रहना मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे सामने भी कई परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां भी हैं और कई मजबूरियां भी हैं, पारिवारिक परेशानियां भी हैं, लेकिन मेरा कहना है भाई, ज्यादा भी समय अगर आप नहीं दे पाओ हम सब लोगों को, तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन होगा कि आप कल अजमेर में जरूर से जरूर आरपीएससी सामने जो धरना चल रहा है वहां जरूर पधारें, आपका स्वागत। यह हमारा लास्ट टारगेट है, मैं आपसे चेतावनी के साथ कह सकता हूं, मैं किसी भी धरने स्थल पर कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी जाऊंगा भी नहीं। मैं कोई चेतावनी करूंगा कि वहाँ इतनी तारीख को चलना है, ऐसा अपने को करना है, ये मेरा लास्ट आग्रह है। आपको अच्छा लगे तो आप कल अजमेर पहुँच जाना, आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो वो आप पीछे की बात है, फिर इंतजार आप 2019 नहीं 2020 तक का करते रहना। धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद राजेंद्र जी का। दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने जितना भी हौसला बुलंद कर रखा है हम लोगों का, हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको सारी बातें मैं बता सकता हूँ, बोलने की वो क्षमता नहीं रही है सचिन की पहले की जैसी, लेकिन चंद लाइने, क्योंकि आज उपेंद्र जी ने 200 गुना उत्साह मेरे में भर दिया है, तो 4 लाइने आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम तो जिंदगी अपनी हथेड़ी पर लेके बैठे हैं दोस्तों, और 4 लाइनें आपके लिए बोलूंगा। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए। अब समझ लो दोस्तों, बहुत कुछ लिखा है 4 लाइनों में,